नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कांच के गिलास या वाइन ग्लास। अक्सर कई सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वाइन ग्लास पे कौन सी मशीन वर्क करती है और कैसे करती है। तो हम बता देते हैं, वाइन ग्लास के ऊपर ना फाइबर यूज करना बेकार है, आप CO2 या UV यूज करें। ये दोनों मशीन आपके वाइन ग्लास के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं, पर CO2 में जो क्वालिटी का इम्प्रेशन होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है और UV में अच्छा होता है। मोस्टली इंडिया में जितने भी मशीन चलाने वाले हैं उनके पास CO2 ईजिली अवेलेबल होती है, तो CO2 से इस पर इंग्रेव करना बहुत ही ईजी होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम क्या और कितना ग्लास के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं। अगर आपका फ्लैट एरिया है ग्लास का, कुछ भी सरफेस जो फ्लैट होता है उसके ऊपर हम मशीन के वर्किंग एरिया के हिसाब से जितने भी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेफ़्ट टू राइट या XY जितना भी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम आती है जब हम राउंड चीज़ों पे करते हैं, तो एक मशीन के फोकस एरिया के हिसाब से ही एक लिमिटेड एरिया तक ही कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे पास देख रहे हैं कि एक वाइन ग्लास है जो जिसका रेडियस आपका 50 के आसपास है, और हमारा जो वर्किंग एरिया है वो मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 30 mm का है। लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम आप जितना भी कर्व के हिसाब से कर सकते हैं उतना सारा एरिया हमारे पास अवेलेबल है इंग्रेविंग करने के लिए। दोस्तों, अगर ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो इस पर आप 100% CO2 ही यूज करें। अगर आपका ग्लास कलरफुल है या मतलब किसी और शेप का है तो आप UV पे जा सकते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर आप हमेशा कोशिश करें कि CO2 पे ही बेटर क्वालिटी का इम्प्रूव करने की। इसके लिए आपको कुछ मेथड यूज करने चाहिए कि अपना जब इंग्रेविंग की क्वालिटी हो तो स्लो रखें और स्पीड को हाई। पर इस मिरर के ऊपर जब भी इंग्रेव करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है, तो जो आपका मैक्सिमम पावर नहीं यूज करना चाहिए, आपका 70% ही पावर यूज करें जिससे आपका लेंस बचा रहे लॉन्ग टर्म के लिए। कभी कभी आपको इंग्रेव करना है तो समझ में आता है, लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आप ग्लास यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम पावर का यूज नहीं करना चाहिए, 70% से 80% ही पावर यूज करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं हमने कपल का नाम और डेट, जो उसकी एनिवर्सरी की डेट है, उसको इंग्रेव किया है। इसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बेहतरीन आ रही है। देखिए, लाइट का इफ़ेक्ट जब आता है तो बिल्कुल क्लियरिटी दिखती है, और जब इस शैम्पेन के अंदर या जिसके अंदर वाइन रखा जाएगा तो लिक्विड के साथ ये और क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा, जिस तरह से आप बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए, पूरा क्लियरिटी के साथ आ रहा है। दोस्तों, जब भी आप ग्लास के ऊपर काम करें बहुत ही केयरफुल्ली काम करें, इससे आपको चोट लगने का डर भी रहता है, कभी कभार ये टूट भी जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लास से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से लेजर से जुड़े किसी और प्रोडक्ट या मटेरियल पे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फ्यूचर में उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।